पाकिस्तान खुद एक छन्नी है और छन्नी जो है हमारे छेद गिनाती है, तो ये स्वाभाविक है कि अपने छेदों को छुपाने के लिए वो हमारे छेदों को गिनवाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो अपनी जान बचाना ही मुश्किल है, वहाँ जो आतंकवादी हैं उन्हीं को मारना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान बच्चा बनकर बाप से मदद मांगेगा तो मदद ज़रूर मिलेगी। सर, पाकिस्तान के लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि भारत सुरक्षा मुस्लिम सुरक्षा नहीं करता है और हमारे यहाँ सुरक्षित है, और तमाम देश जो है वो भी आरोप लगा, लेकिन आज पाकिस्तान में देखते हैं दंगे हो रहे हैं। अभी कल ही है कि पाकिस्तान कराची में वहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, जहाँ पे 5-6 लोग मारे गए। उससे पहले भी 10 दिन पहले की घटना है, जो पेशावर में एक मस्जिद तोड़ा गया वहाँ पे और विस्फोट किया गया, 100 लोग मारे गए थे। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान खुद एक छन्नी है और छन्नी जो है हमारे छेद गिनाती है, तो ये स्वाभाविक है कि अपने छेदों को छुपाने के लिए वो हमारे छेदों को गिनवाती है। जबकि पाकिस्तान में अस्थिरता का माहौल है, खुद ही आपस में लड़मर रहे हैं, खुद ही आपस में दंगे हो रहे हैं, वहाँ के जो नेता हैं वो आपस में कटे मजे मरे जा रहे हैं। और बात करते हैं हिंदुस्तान की, आप याद कीजिए किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मोदी जी ने जवाब दिया था। अगर इसी तरीके की घटनाएं वो करते रहे और आरोप लगाते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सामना करना पड़ेगा। सर, अभी वहाँ पे जो माहौल है आटे को लेकर, राइफल से वहाँ पे सुरक्षा उस आटे की, और दूसरा वहाँ देखा गया टमाटर 250 रुपये, पेट्रोल 200-300, तमाम चीज़ों का दिक्कत, अफरा तफरी का माहौल है। तो क्या लगता है उनकी पॉलिसी में कहाँ कमी रहेगी? पॉलिसी में क्या, पाकिस्तान के तो सारे ही कमी है, उसकी हर चीज़ में कमी है। अराजकता का माहौल है, लूटमार का माहौल है, चोरी का माहौल है, महंगाई बेशुमार है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर चीज़ का ख्याल रखकर, अपनी जनता के बीच में रहकर, अपनी जनता के कामों को ध्यान में रखकर, उसके रख रखाव के लिए हर काम को सही समय पर करते हैं। मोदी जी की नज़र बहुत बारीक नज़र है, पूरे हिंदुस्तान में जो भी दबे कुचले पिछड़े हैं, जैसे कि पसमांदा, उनको मुख्य धारा में लाकर उनको भी एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो अपनी जान बचाना ही मुश्किल है, वहाँ जो आतंकवादी हैं उन्हीं को मारना चाहते हैं। तो क्या है, अराजकता का माहौल है। सर, अभी जिस तरह से तुर्की भारत के खिलाफ यूएन में तमाम जगह भाषण दे रहा था कश्मीर को लेकर, लेकिन तुर्की में जब भूकंप आया, भारत सबसे पहले वहाँ पहुँच के वहाँ पे मदद पहुँचाई, हॉस्पिटल खोले, एनडीआरएफ की टीम गए, तो क्या लगता है कि तुर्की अभी भारत का साथ देगा आने वाले समय में? देखिए, हमारे साथ किसी देश ने क्या किया हम उस पर नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि 56 इंच का सीना, उनका वाकई 56 इंच का सीना है। किसी ने हमारे बारे में बुरा भी सोचा, मगर हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं। मोदी जी ने सबसे पहले मदद देने की पेशकश की और मदद दी भी, जिस तरीके से कोरोना काल में सभी देशों में, अनेक देशों में वैक्सीन पहुंचाई और जीवन बचाया, इसी तरीके से कोई भी देश हो जहां ज़रूरत होगी मोदी जी उसकी मदद करते हैं और करते रहेंगे, हमें मोदी जी से पूरी उम्मीद है। तो सर, जिस तरह से 150 करोड़ के आसपास दिया था बजट और अफगानिस्तान में मानव के लिए अनाज पहुँचाने, तो पाकिस्तान कहता है कि सर भारत सरकार को हमें भी कुछ देना चाहिए था फंडिंग, तो क्या लगता है सर देना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, तरीके से मांगे तो हम जान भी देंगे, ये हमारे हिंदुस्तानियों की परंपरा है, लेकिन अगर आंख दिखाकर कोई मांगेगा तो खीर नहीं देंगे, चीर देंगे, ये भी हमारी परंपरा रही है। और मोदी जी एक सख्त इंसान है इस मामलों में, कि अगर मोहब्बत से, प्यार से अगर पाकिस्तान मदद मांगता है तो मुझे पूरी उम्मीद है मोदी जी से कि मोदी जी का जितना 56 इंच का सीना है, उसी सीने के अंदर एक बहुत नरम दिल भी है, वो जरूर पाकिस्तान की मदद करेंगे अगर पाकिस्तान तरीके से मांगता है। क्योंकि गुस्से से, या जब तक आतंकवाद हमारी सीमाओं पर होता रहेगा, जब तक पाकिस्तान को मदद मिलना मुश्किल है। अगर पाकिस्तान बच्चा बनकर बाप से मदद मांगेगा तो मदद जरूर मिलेगी।